गाइस, आई नो इट्स बीन लॉन्ग एंड इतने टाइम से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने का, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, एक महीना पूरे एग्जाम्स चले हैं, इसलिए मैं अभी कोई न्यू कंटेंट नहीं बना पाई, पर अब से मैं रेगुलर रहूंगी यूट्यूब पे, आई प्रॉमिस। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि मैंने अपने फेस के दोनों साइड्स पे अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करे हुए हैं, लेफ्ट साइड अलग, राइट साइड अलग? तो हाँ गाइस, मैंने अपने फेस पे अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पे यूज करे हुए हैं और आज की वीडियो होने वाली है अफोर्डेबल ड्यूब्स पे या मेकअप ट्यूब्स पे, महंगे मेकअप के सस्ते ऑल्टरनेटिव्स पे। तो आप लोग मैक, हुडा ब्यूटी ऐसे ब्रांड्स के बारे में जानते होंगे जिनके प्रोडक्ट्स ही 3-4 हज़ार रुपए से स्टार्ट होते हैं, और मुझे भी एक्चुअली वर्थ इट नहीं लगता इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, इसीलिए मैं हमेशा उनके स्मॉल साइजेस ही परचेज करती हूँ। और जो मैं प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ अफोर्डेबल वाले, वो अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड्स के ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत चीप ट्यूब्स उनके प्रोवाइड कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही गुड क्वालिटी भी के भी है वो साथ में कंपैरेटिवली। तो लेट्स बिगिन, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और मैं अपने लेफ्ट साइड पे सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और राइट साइड पे मैं यूज करूंगी सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, मेरे लेफ्ट पे और मेरे राइट पे। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ एक्सपेंसिव और यहाँ सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, कितने ज्यादा प्राइस डिफरेंसेस होने के बाद भी कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स में। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा मैक की ये स्ट्रोक क्रीम। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत इल्यूमिनेटिंग होती है, बहुत ग्लोई होती है, बहुत ड्यूई होती है, बट ये इतना सा इसकी क्वांटिटी जो है 1100 रुपीज़ की मिलती है और इसका जो बड़ा साइज है वो 3400 रुपीज़ का मिलता है। एक स्ट्रोक क्रीम या प्राइमर क्रीम पे इतना इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट एट ऑल। इसका ड्यूब जो है मेरे पास में वो है शुगर कॉस्मेटिक्स का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर और ये आपको मिलता है सिर्फ 499 रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन करती है मैक की स्ट्रोक क्रीम का। मैं अपने लेफ्ट साइड पे लगा रही हूँ, यानी आपके राइट साइड पे मैक की स्ट्रोक क्रीम को अच्छी तरह से लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो आ रहा है, कितना नेचुरल सा फिनिश आ रहा है इसको अप्लाई करते ही। अब मैं शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर अपने राइट पे लगाऊंगी, यानी आप लोगों के लेफ्ट साइड पे, और अब हम इसे देखेंगे कि ये किस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट ही दे रहा है। तो लेट्स कंपेयर बोथ द साइड्स। यहाँ आप देख सकते हो बहुत नेचुरल सा ग्लोई फिनिश है, पर यहाँ थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, बट ये एक जैसा ही है। इसके ऊपर जब हम बेस लगाएंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। तो टाइम फॉर फाइनल कंपैरिजन, ये 15 ml का प्रोडक्ट है जो आपको 1100 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप इसके बड़े साइज के लिए जाओगे तो आपको 3400 रुपीज़ का पड़ेगा, और यही शुगर का जो ये है प्रोडक्ट, ये आपको 450 से 500 के बीच में मिल जाएगा। सो आई थिंक द फिनिश जो है दोनों के सेम ही है। तो अगर आप इस पे पैसे वेस्ट ना करके यू कैन गो फॉर दिस इंस्टेंट, अगर आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है, पर ये बहुत नेचुरल फिनिश देता है और ये एट द सेम टाइम थोड़ा सा आर्टिफिशियल फिनिश देता है। तो मैंने बेस प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अप्लाई कर दिए अपने फेस पे, यानी कि फाउंडेशन और कंसीलर। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास है वो शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये रिटेल करता है 600 रुपीज का, काफी वायरल है, काफी अच्छा माना गया है। और इसका जो ड्यूप मुझे मिला है वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो सिर्फ 135 रुपीस का है। क्वांटिटी भी ज्यादा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि कितने सिमिलैरिटीज हैं इनमें आपस में। तो मैंने शुगर का लूज पाउडर है अपने लेफ्ट साइड, यानी आप लोग के राइट साइड पे लगा दिया है। मैं इनसाइड का यूज कर रही हूँ अपने राइट साइड पे, यानी आप लोगों के लेफ्ट साइड पे। उनकी कवरेज में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा नेचुरल फिनिश दे रहा है बट ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम इसे जब हटाएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि इसे हम बेक करने रख रहे हैं। तो अब मैं धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से रिमूव कर रही हूँ दोनों ही साइड्स पे, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि दोनों की यू नो कवरेज किस तरीके की है, और डस्ट ऑफ करने के बाद पता पड़ा कि दोनों बिल्कुल सिमिलर है। सो टाइम फॉर फाइनल कंपैरिजन, पहले मुझे लग रहा था कि इनसाइड वाला इतना अच्छा नहीं है और इतना नेचुरल फिनिश नहीं देगा, पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सेम है। और मैं आप लोग को इनसाइड वाला ही रिकमेंड करूंगी बिकॉज ये 600 रुपीज का है, बहुत कम क्वांटिटी, पर ये सेम आपको ज्यादा क्वांटिटी में 135 रुपीज में रिटेल हो रहा है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। आई एम श्योर आप लोगों ने हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स के बारे में सुना ही होगा। 9 शेड्स के आई शेडो आपको मिलते हैं 2500 रुपीज में, जो कि मुझे लगता है इतनी वर्थ नहीं है। 9 shades फॉर 2400 विच इज टू मच। तो ऐसे ही सेम ट्यूब्स मैंने ढूंढे हैं, वो है निका के 9 ब्रांड के, जो कि आपको सिर्फ 400 रुपीज में मिलते हैं ईच पैलेट फॉर 9 शेड्स, एंड सारे शेड्स भी सिमिलर है, दे आर जस्ट सो सिमिलर। मैं अभी आप लोगों को कंपेरिजन दिखा देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जब ब्रांड सिमिलर है तो फिर हम एक ही टाइप के आई शैडो इस वीडियो के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सिर्फ पिगमेंटेशन को चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पर्पल वाले यूज करूँ इंस्टेड ऑफ रेड, क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ भी जाएगा। तो वी यूज दिस वन, दीज टू, और इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंसेज है दोनों में।
तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का ऑब्सेशंस पैलेट, उसका डार्केस्ट शेड यूज़ कर रही हूँ मैं अपने लेफ्ट पे और आप लोग के राइट साइड पे, एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर शेड फॉर द मिडिल ऑफ माय आईज़, एंड देन सबसे लाइटेस्ट शेड जो है ग्लिटर वाला वो यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अब मेरे राइट और आप लोगों के लेफ्ट साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निका के नाइन का पैलेट, और उसमें जो सिमिलर वाले शेड्स थे जो हमने यूज़ करे हैं वही एग्जैक्ट सिमिलर वाले शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ सेम तरीके का आई शैडो लुक क्रिएट करने के लिए। सो गाइज बाय ना आप लोगों को समझ में आएगी होगा कि इनमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस लग रहा होगा आपको, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि पिगमेंटेशन बिल्कुल सेम है, ग्लिटर की पिगमेंटेशन चाहे नॉर्मल कलर्स की एकदम सिमिलर है। और ये आपको मिलता है 2400, मैंने जस्ट चेक करा 2500 बोली थी 2400, और ये सिर्फ 400 रुपीज़ का। आई मीन ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव। शेड्स भी मतलब पोजिशनिंग भी शेड्स की बिल्कुल सेम है कि यहाँ जो शेड्स हैं उसमें भी यही सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाई है लोगों ने, बट पिगमेंटेशन में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 400 रुपीज में हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, आप इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो गाइस मैंने आईलाइनर भी ऑफ कैमरा लगा लिया था, अब हम आते हैं मस्कारा पे। तो मस्कारा जो है ये टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा इतना वायरल है, इतना लोगों को पसंद है, पर ये इतनी सी क्वांटिटी 4.8 ml की आपको 1150 रुपीज की मिलती है, और अगर आप इससे बड़े साइज में जाओगे 8 ml में तो 8 ml की आपको मिलेगी 2100 रुपीज की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है एक मस्कारा के लिए। तो चलिए मैं इसका आपको ड्यूब दिखा देती हूँ। इसका ड्यूब जो मेरे पास में है वो है लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा है, 8 ml का आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज में। व्हाट्स द डिफरेंस, बहुत ज्यादा। तो चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि दोनों में कितनी वॉल्यूमाइजिंग यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लेट्स ट्राई। सो स्टार्ट करते हैं हम बाय टू फेस मस्कारा, और इसे मैं लगा रही हूँ अपने लेफ्ट पे यानी आप लोगों के राइट साइड पे, और बहुत ज़्यादा थिक और बहुत वॉल्यूमाइजिंग है ये मस्कारा। उसके बाद हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट जो कि ये लॉरियल का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, उससे भी मैं लगा रही हूँ और सेम एग्जैक्ट थिकनेस ये भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है इतना एग्जैक्ट थिकनेस दिए, सेम थिकनेस, सेम फिनिश, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है, पर मैं 2100 का ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करूंगी। आई वुड डेफिनेटली परचेज दिस प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी भी ज्यादा, व्हाई वुड आई वेस्ट माय मनी ऑन दिस, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ परचेज ऑफ लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा विच इज अमेजिंग। अब हम आते हैं लिप्स पे, तो ये है हमारी मैक की रूबी वू जो कि बहुत फेमस है लिपस्टिक, रूबी वू शेड है इसका, काफी लोग इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इतना पसंद करते हैं इस रेड शेड को। इसे रिटेल करती है 1100 रुपीस की, स्मॉल साइज है, अगर आप इसका फुल साइज लेते हो तो 1700 रुपीस की एक लिपस्टिक आपको पड़ती है। तो ये है नायका क्रीमी मैट लिपस्टिक का ऑन फायर शेड जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है, ये मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीस में। सो प्राइस डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, क्वांटिटी भी ज्यादा है। सो मैं अपने लेफ्ट और आप लोगों के राइट साइड के अपर एंड लोअर लिप पे यूज कर रही हूँ ये मैक की जो रूबी वू शेड है लिपस्टिक का। अब दूसरे साइड के लिए मैं यूज करूंगी ये नायका की सो क्रेम वाली लिपस्टिक ऑन फायर शेड, और अभी से ही सिमिलर कलर दिखना स्टार्ट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस आपने देख ही लिया है, इस साइड मैंने मैक रूबी वू यूज करी थी, इस साइड मैंने ऑन फायर शेड यूज किया था नायका का, और आप लोगों ने देख ही लिया अभी क्या सिमिलैरिटीज थी, बिल्कुल सेम है, कोई कलर डिफरेंस ही नहीं लग रहा, ये देखिए। सो आई वुड टेल यू कि भाई आप लोग पैसे वेस्ट मत करो, एंड यू कैन गो फॉर दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि आपको शेड से ही तो फर्क पड़ता है, किसको पता कि आपने कौन सी वाली लिपस्टिक लगा रखी है, फॉर्मुलेशन और फील भी एक ही जैसा होगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर दिस नायका वन इंस्टेड ऑफ द मैक। सो गाइज आज का जो लास्ट ड्यूप है वो है मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स, जो कि प्राइमर की तरह भी यूज हो सकता है, सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज हो सकता है। ये साइज जो है मिनी, ये 1200 का रिटेल करता है, बट अगर आप इसका बड़ा साइज चूज करोगे तो आपको आई थिंक 2000 का पड़ेगा, 1900 से 2000 का पड़ेगा, बट दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि काफी फेमस है, लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास ये है निक्स का ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे जो कि 800 रुपीज में आपको मिल जाएगी, क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो अभी हम इसको कंपेयर करके देखते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि दोनों का फिनिश कैसा आ रहा है, वैसे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं पड़ने वाला, बट दोनों का ड्यूई फिनिश है। आप लोगों के राइट साइड पे मैं यूज कर रही हूँ मैक की, एंड देन दूसरे साइड पे यूज कर रही हूँ निक्स की, अभी इसे ड्राई करने के लिए रखते हैं। वो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी दैट आप निक्स वाले के साथ जाएं, बिकॉज निक्स इज मोर अफोर्डेबल एंड सेम फिनिश है, सो आई डोंट थिंक कि आपको मैक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे मैक को काफी लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो तो मैक के लिए वो काफी लोग कहते हैं कि यू नो इट्स बेटर, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि फालतू में यू नो बहुत एक्सपेंस हो रहा है एंड देन आप सेव करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस निक्स वन। सो गाइज कितना क्लियरली यू नो हमारा जो मेकअप है एकदम सेम लग रहा है दोनों साइड पे, ऐसा लग ही नहीं रहा हमने अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। आई होप आपको ये ड्यूब्स जो है ये सिमिलर लगे हों और काफी एक जैसे लगे हों। सो आई होप आपके पैसे बचाने में मैंने आपकी डेफिनेटली हेल्प करी है, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली इस वीडियो से देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। बाय, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।